पढ़ते हैं वो कहते हैं कि तुम ठीक हो गए। बड़ी संख्या में आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे भी लोग भी हैं, आपके यहाँ ही हैं बल्कि, जो कहते हैं कि केवल फूंक मारने से ही इलाज हो जाता है, लकवा जिसको है वो भागने लगता है, केवल हाथ रखने से ही इलाज पूरा कर दिया जाता है। तो फिर ये भाई, जब अपने किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो उसके लिए अभी मैं जैसे कह रहा हूँ, परमेश्वर से दया करो, परमेश्वर से ब्लेस करो, या परमेश्वर से चंगा करो, या परमेश्वर से का नाम लेकर बस शॉर्ट में बोल रहा हूँ। तो कई अपने मुंह से आवाज निकालते हैं, कई बार नहीं भी निकालते, अंदर ही बोलते रहते हैं, जैसे परमेश्वर से दया करो, अपने मन में ही वो मतलब उसके लिए प्रेयर कर देते हैं। और जो फूक मारने वाली बात है वो थोड़ा लंबी बात हो जाएगी। परमेश्वर मसीह ने अपने चेलों पे फूंका, फूक मारी और कहा पवित्र आत्मा लो। तो वो लोग जो फूक मारते हैं वो लोग उस बात को उठाकर फूक मारते हैं। आखिरी सवाल मेरा कि लोग शक की नजर से देखते हैं, साइंटिस्ट शक की नजर से देखते हैं, डॉक्टर शक की नजर से देखते हैं, ये कहते हैं ये कोई थ्योरी नहीं है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, और ये जो सब किया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बनाने के लिए किया जा रहा है, पैसा कमाने के लिए किया जा रहा है, ऐसा दावा किया जाता है और कहा जाता है पूरी तरीके से पाखंड है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। देखिए, पैसा कमाने की बात ये है, मेरा खुद का अखबार था, मैं मालिक हूँ अखबार का, और मैंने अपना न्यूज़पेपर चलाया है, और मैंने पहले और जो मैं रिपोर्टर रहा हूँ, मैं एक खोजी पत्रकार रहा हूँ, क्राइम रिपोर्टर रहा हूँ, सरकार को साथ लेकर वहां तक पहुंचाया सरकार को। भाग नहीं रहे हैं, थैंक यू। तो मतलब मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था, इस बीच में लाना नहीं चाह रहा था। कितने साल तक आपने पत्रकारिता की और फिर यहाँ पर ऐसे इस तरीके से कब से शुरू किया आपने? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। असल में मैंने 2004 में मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि मैं सेवके में समय नहीं दे पाता था, तो इसलिए मैंने जो है न्यूज़पेपर को बंद कर दिया। उसके बाद कोई ऐसा मैसेज आपके पास आया, कोई ऐसा स्वप्न आया कि ज्यादातर लोगों के पास जहाँ पर हम गए उन्होंने कहा हमें स्वप्न आया था, इस तरह का मैसेज हमारे पास आया था, उसके बाद से हमारे जिंदगी में तब्दीलियां आई और फिर हमने मैसेज देना शुरू कर दिया, क्या ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, उसमें ऐसा कि मैं परमेश्वर मसीह की सेवा करता था, साथ साथ में मैं एक बड़े बड़े न्यूज़पेपर का नाम नहीं लेना चाह रहा, हिंदुस्तान का बड़ा प्रसिद्ध न्यूज़पेपर, उसका मैं प्रेस रिपोर्टर था, और उसके बाद मैंने अपना शुरू किया, उसके साथ साथ मैं सेवका भी करता था, लेकिन जब मैं समय नहीं दे पाता था लोगों को, तो इसलिए फिर मैंने इसको बंद किया था। जो मुझे बुलावा आया था तो मैं प्रार्थना में था तो एक कोने से रूम में 3 बजे के आसपास की बात है, दोपहर का 3, एकदम से रोशनी आई थी और क्रॉस बीच में आया और मुझे परमेश्वर मसीह ने आवाज देकर कहा इस क्रॉस को उठाओ और चलो, इसका मतलब होता है कि सेवकाई करना। तो तब मैंने सेवकाई शुरू की थी। अगर आप इजाजत दें, वो सवाल ये जो मेरे दिमाग में है, मैं एक मुस्लिम हूँ, मेरे यहाँ कहा जाता है कि 5 टाइम की आप नमाज पढ़ें, अपना दिल खुदा से लगाएं और हम दुआ भी करते हैं। ईसाइयों में भी है कि चर्च में जाएं, चर्च में ईसा मसीह से अपनी दुआ करें, प्रेयर करें। हिंदुओं में भी है कि वो अपने मंदिरों में जाएं, वहां पर प्रेयर करें। यहाँ पर जो आप करते हैं ये उनसे कितना अलग है, ये क्या चीज है? देखिए, चर्च बाइबल में जो चर्च लिखा है वो लिखा हुआ है कलीसिया को चर्च कहा गया है, चर्च बिल्डिंग को नहीं। चर्च वो है जहाँ पर सब लोग इकट्ठे होकर प्रेयर करते हैं, वो चर्च है। और चर्च शहर के अंदर है, ये मैरिज पैलेस है, रिजोर्ट है, इसमें हम लोग मिलकर प्रेयर करते हैं। और जो भी चाहे चर्च में जाकर प्रेयर करें, एक साथ इकट्ठे होना है, यहाँ इकट्ठे होकर परमेश्वर से विनती करते हैं, लोग चंगाई छुटकारा आराम पाते हैं, बस ये है। रविवार को ये कार्यक्रम आप करते हैं यहाँ पे, हर रविवार।